अच्छी तरह से जानता है मैं इसे सिर्फ नफरत करती हूँ, लेकिन ये मेरे दादी माँ के सामने अपने आप को ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि जैसे ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो। लेकिन दादी माँ आपको नहीं पता कि ये एक नंबर का हार्टलेस डेविल माफिया किंग है और मैं इससे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्हाट हैपेंड यूंगी, क्या हो गया, तुमने इतने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? जिमी, मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या यूंगी, क्या तुमने अपने डैड से बात कर ली हमारी शादी की? वो मान गए, वो कभी नहीं मानने वाले। इनफैक्ट उन्हें तो ये एक्टर्स फिल्म बनाने वाले लोगों से तो प्रॉब्लम है। तो फिर शादी मतलब हम कैसे? हम दोनों सीक्रेटली शादी करेंगे और हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर तो डैड मेरी शादी की सर से करवा भी नहीं पाएंगे। एक मिनट यूंगी, तुम क्या कह रहे हो, मुझे साफ साफ कहो। जिमी, डैड मेरी शादी उनकी फ्रेंड की डॉटर जिसू से करवाना चाहते हैं। एंड आई डोंट लाइक जिसू। जिसू मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट मैंने सिर्फ उसे फ्रेंड की नजर से ही देखा है। लेकिन डैड ने और उनके फ्रेंड ने घटिया से ही एक प्लान बनाकर रखा था हम दोनों की शादी का। बट आई लव यू जिमी। अगर तुम जिसू को प्यार नहीं करते हो, तुम उसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो तुम अपने डैड को कहो। आई होप कि वो मान जाएंगे। नहीं मानने वाले जिमिन, वो एक अट लगाए बैठे हैं कि मेरी शादी जिसू से करवाएंगे और मुझे जिसू से शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूंगी, तुम अपनी मॉम को कहो ना, मॉम जरूर मानेंगी। मॉम मॉम की तो डैड के सामने जुबान भी नहीं खुलती है। अगर मॉम कुछ कह पाती तो शायद वो अपना सपना पूरा कर पाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर यूंगी, ये तो गलत है ना, हम हमारे पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। हम उन्हें बिना बताए सीक्रेटली शादी कर लेंगे, दिस इज नॉट फेयर यूंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जिसू से शादी कर लूं? ओके फाइन, तो मैं जिसू से शादी कर लेता हूँ। नहीं यूंगी, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम अपने डैड को मनाओ। और आई एम सॉरी यूंगी, जब तक तुम्हारे डैड हमारी शादी को और हमारे रिलेशनशिप को परमिशन नहीं देते हैं, मैं भी अपना। जिमी, तुम एक एक्ट्रेस हो, एक मॉडल हो, तुम ये सोच रखती हो कि पेरेंट्स की परमिशन इम्पोर्टेंट होती है? सीरियसली जिमी, तो क्या हो गया यूंगी अगर मैं मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ तो? बट पेरेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी फैमिली होंगी, बाद में सब कुछ। ओह रियली, तो तुम शादी के बाद ये सारे काम छोड़ दूंगी? बोलो जिमी। हाँ यूंगी, एक बार तुम्हारे और मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं सारे काम छोड़ दूंगी और मैं हाउसवाइफ बन के रहने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड की परमिशन होंगी तो ही हम शादी करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, किंग आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? अपना नाम सोजिन बता रहे हैं, उसे आपसे कुछ काम है। सोजिन, ओके भेजो उसे अंदर। फिर काई जो है सोजिन को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन सोजिन का नाम सुन के बीबी वहां पर रुक जाती है, बट वो जैकी के सामने नहीं आती है, वो बस चुपचाप से वहां पर खड़ी रहती है। किंग, डेविल माफिया किंग जैके, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करिए। एक मिनट, तुम तो सोजिन, वेल तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? आई मीन तुम तो यूएसए के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वांग की बेटी से शादी करके अपने लाइफ को सेटल कर चुके हो, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? देखिए किंग, मेरे फादर इन लॉ का सारा बिजनेस मेरे नाम कर चुके थे वो, लेकिन अब सारा बिजनेस हमारा बर्बाद हो चुका है, मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ओह रियली, तुम मुझे कहोगे मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अब मैं तुम्हारी मदद कर दूं? एक बात तो ये कि मैं किसी एरो गेरो की मदद नहीं करता। देखिए किंग, मेरा बिजनेस पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है, अगर आप जैसे पावरफुल माफिया किंग मेरे बिजनेस में कॉल अप करेगा तो देखना शर्ली मेरे बिजनेस वापस से ग्रोथ करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। प्लीज माफिया किंग मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। एक मिनट, मैं तुम जैसे एरो गेरो की मदद क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? देखिए डेविल माफिया, प्लीज किंग मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है किंग, इस हालत में मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगा? बिजनेस के लॉस्ट होने के कारण मैंने अपना घर भी रेंट पे दे दिया है, अब अगर इस हालत में वो कहाँ रहेंगी किंग? ये तुम खुद सोचो, तुमने तुम्हारी वाइफ को प्रेग्नेंट किया, मैंने नहीं, तो मैं क्यों सोचूं? किंग आप
जाता है, लेकिन सोजिन जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी काई उसे लेकर चला जाता है। और अदर साइड भी ये सब सुन लेती है। क्या सोजिन की वाइफ प्रेग्नेंट है? उसने सच में मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी सोजिन, लेकिन तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। क्या हुआ अभी? व्हाट हैपेंड? तुम क्यों रो रही हो? बोलो बेबी, तुम क्यों रो रही हो? पहले तो तुम मुझसे दूर हटो, ज़रूरी नहीं है। और ये क्या बेबी कह रहे हो मुझे? बेबी मत कहो, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। ओके फाइन, पर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों रो रही हो? सोजिन की वजह से? क्यों? मैंने सही कहा ना? देखो, वो तुम्हारे पास मदद के लिए आए हैं, कि तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? ये तुम कह रहे हो भी? उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, और उसके बावजूद भी तुम चाहती हो कि मैं उसकी हेल्प करूं? तो क्या हो गया? उसने मुझे धोखा दिया है, अभी उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। देखो, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसने अपना घर भी रेंट पर दे दिया है। एक ना एक दिन वो रेंट वाले वो घर भी खरीद लेंगे, फिर वो दोनों कहाँ जाएंगे? कम से कम उन दोनों के लिए नहीं, लेकिन उनके आने वाले बेबी के बारे में तो तुम सोच सकते हो ना? सच में भी उस इंसान ने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया है, तुम्हें बस दुख दिया है, फिर भी तुम उसके आने वाले बेबी के लिए सोच रही हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? क्योंकि मैं माफिया नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझे सबके बारे में सोचना अच्छी तरह से आता है, तुम्हारा जैसा नहीं। सिर्फ रिवेंज को याद रखो। देखो, उसने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें नहीं, तो तुम किस बात पर इतना उस पर गुस्सा कर रहे हो? उसने मेरी फी को हर्ट किया है, मेरी फी को धोखा दिया है। देखो प्लीज़, मैं तुम्हारी फी नहीं हूँ, और तुम्हें मेरे लिए इतनी सिंपत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, मुझ पर एहसान करना चाहते हो, तो बस एक एहसान कर दो, तुम सोजिन की मदद करोगे, ये करते हो तो बोलो, वरना फिर ओके फाइन, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं उसकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच। वेल, पर भी तुम सच में क्या उसकी मदद करना चाहती हो? देखो, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये तुम कर रहे हो, और मुझे इसके आगे कोई बात नहीं करनी। और भी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सच में भी तुम बहुत अच्छी हो, जो इंसान ने तुम्हें सब में ज़्यादा दुख दिया है, तुम उसकी वाइफ, उसके बेबी और उसके बारे में सोच रही हो। और तुमने सही कहा, हमें तो सिर्फ रिवेंज याद रहता है और कुछ नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ दिल के बहुत अच्छे होते हो। आई प्रॉमिस फी, मैं तुम्हारी विश ज़रूर पूरी करूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उस सोजिन की मदद करूँगा।